गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू थिंक आइज चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस घटनाचक्र दृष्टि इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस UPPSC एंड UPSC प्रीलिम्स। लेट अस बिगिन द टॉपिक। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पशुधन और पोल्ट्री पक्षियों की गणना 12 मई 2022 को केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन तथा डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा 20वीं पशुधन गणना के आधार पर नस्ल के अनुसार ब्रीड वाइज पशुधन और पोल्ट्री रिपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री जारी की गई। देश में पहली बार नस्ल के अनुसार डेटा संग्रह करने का काम 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के साथ ही 2019 के साथ ही किया गया था। डेटा एकत्रित करने का काम कागज़ के स्थान पर टैबलेट कंप्यूटर का इस्तेमाल करके लिया गया। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो NBAGR की मान्यता के आधार पर पशुधन तथा पोल्ट्री पक्षियों की गणना की गई। रिपोर्ट में राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR द्वारा पंजीकृत 19 चयनित प्रजातियों की 184 मान्यता प्राप्त स्वदेशी या विदेशी और संकर नस्लों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में 41 मान्यता प्राप्त स्वदेशी मवेशी हैं, जबकि 4 विदेशी या संकर नस्लें शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुल मवेशियों की आबादी में विदेशी और संकर पशुओं का योगदान लगभग 26.5% है, जबकि 73.5% स्वदेशी और बिना वर्ग के मवेशी नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल हैं। कुल विदेशी या संकर मवेशियों में संकर होल्स्टीन फ्रीजियन HF के 39.3% की तुलना में संकर जर्सी का हिस्सा सर्वाधिक 49.3% है। कुल देसी मवेशियों में गिर, लखीमी और साहिवाल नस्लों का प्रमुख योगदान है। भैंसों में मुर्रा नस्ल का प्रमुख योगदान 42.8% है, जो सामान्यतः उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। भेड़ में 3 विदेशी और 26 नस्लें देसी की पाई जाती हैं। शुद्ध विदेशी नस्लों में कोरीडेल नस्ल का योगदान प्रमुख रूप से 17.3% है और स्वदेशी नस्लों में नेलोर नस्ल का योगदान 20% हिस्सेदारी के साथ श्रेणी में सबसे अधिक है। देश में बकरियों की 28 नस्लें देसी पाई गई हैं। ब्लैक बंगाल नस्ल का योगदान 18.6% के साथ सबसे आगे है या सबसे अधिक है। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022। 2 मई 2022 को खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 2 से 6 मई 2022 तक आयोजित 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस XV वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस XV मीन्स 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के दौरान जारी की गई। 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस का विषय था वन के साथ एक हरित स्वस्थ एवं लचीले भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विथ फॉरेस्ट। वन पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 31% पर विस्तृत हैं, जिनका कुल विस्तार 4.06 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में है, परंतु वनों के क्षेत्रफल में कमी आ रही है। वर्ष 1990 से 2020 तक निर्वनीकरण डिफॉरेस्टेशन के कारण 420 मिलियन हेक्टेयर वनों का नाश हो गया। यद्यपि निर्वनीकरण डिफॉरेस्टेशन की दर में गिरावट आई है, फिर भी वर्ष 2015 से 2020 के मध्य निर्वनीकरण की दर 10 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष रही। वर्ष 2000 से 2020 के मध्य लगभग 47 मिलियन हेक्टेयर प्राथमिक वन लुप्त हुए हैं, तो 47 हेक्टेयर प्राथमिक वन प्राइमरी फॉरेस्ट लुप्त हो गए हैं। रोपित वन प्लांटेड फॉरेस्ट कुल पृथ्वी के 294 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल कुल वैश्विक क्षेत्रफल वन के वैश्विक क्षेत्रफल का 7% है। तो फिर से देख लेते हैं, रोपित वन प्लांटेड फॉरेस्ट कुल पृथ्वी के 294 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल कुल वैश्विक वन क्षेत्रफल का 7% में विस्तृत है, जो वर्ष 2015 से 2020 तक प्रतिवर्ष 1% से भी कम की दर से बढ़ रहा है, जो वर्ष 2010 से 2015 की अवधि की वृद्धि दर 1.4% से कम है। वन 80% उभयचर प्राणियों, 75% पक्षियों तथा 68% स्तनधारी जीवों के आवास प्रदान करते हैं। विषुवत रेखीय वन, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, तो विषुवत रेखीय वन में लगभग 60% संवहनी पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 700 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन कुल वैश्विक वन क्षेत्रफल का 18% वैधानिक रूप से
संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कंजर्वेशन एरिया में आते हैं। वन पर्यावरण परिवर्तन से लड़ने में सहायक हैं क्योंकि ये 662 बिलियन टन कार्बन धारण करते हैं, जो कि संपूर्ण विश्व में मृदा और वनस्पतियों द्वारा धारित कार्बन भंडार के आधे से अधिक हैं। बागवानी फसलें प्रथम अग्रिम अनुमान 2021-22 28 मार्च 2022 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा बागवानी फसलों हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संदर्भ में वर्ष 2021-22 हेतु प्रथम अग्रिम अनुमान तथा वर्ष 2020-21 हेतु अंतिम अनुमान जारी किए गए। वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 333.3 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2020-21 के अंतिम अनुमान 334.6 मिलियन टन की तुलना में लगभग 1.35 मिलियन टन यानी 0.4% कम है। वर्ष 2021-22 में फलों का उत्पादन लगभग 102.9 मिलियन टन का होने का अनुमान है, जबकि विगत वर्ष का उत्पादन 102.5 मिलियन टन था, तो बढ़ा है फलों का उत्पादन, अनुमान है कि बढ़ेगा। वर्ष 2021-22 में सब्जियों का कुल उत्पादन 199.9 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि विगत वर्ष यह 200.4 मिलियन टन था, तो ये कम हुआ है, अनुमानित है मतलब कम होने के आसार हैं। प्याज का उत्पादन वर्ष 2020-21 के 26.6 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 2021-22 फर्स्ट एनुअल एस्टिमेट में 31.1 मिलियन टन अनुमानित है, तो ये बढ़ेगा। आलू का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 56.2 मिलियन टन था, जबकि वर्ष 2021-22 में पहला जो एस्टिमेट लिया गया है एनुअल एस्टिमेट उसके अनुसार 53.6 मिलियन टन अनुमानित है, तो ये घटेगा, आलू घटेगा। अंतिम अनुमान वर्ष 2020-21, वर्ष 2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 334.60 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2019-20 के कुल उत्पादन की तुलना में लगभग 14.13 मिलियन टन 4.4% अधिक है। फलों के उत्पादन वर्ष 2019-20 में प्राप्त 102.08 मिलियन टन की तुलना में 2020-21 में यह 102.48 मिलियन टन होने का अनुमान है। सब्जियों का उत्पादन विगत वर्ष 2019-20 के 188.28 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2020-21 में 200.45 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 6.5% की वृद्धि प्रदर्शित करता है। वर्ष 2019 से 2020 में 26.09 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में प्याज का उत्पादन 2020-21 में 26.64 मिलियन टन अनुमानित है, जो बढ़ेगा प्याज का उत्पादन। वर्ष 2020-21 में 56.17 मिलियन टन के रिकॉर्ड आलू उत्पादन का अनुमान है, जो वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 7.6 मिलियन टन अधिक है, तो ये 2020-21 में ज़्यादा हुआ था आलू और 2021-22 में कम हो जाएगा थोड़ा सा, तो यही अनुमान हमने देखा अभी तक। कुल बागवानी क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में, उत्पादन मिलियन टन में, तो 2019-20 में अंतिम हम देख लेते हैं, लास्ट क्या रिज़ल्ट निकल के आया। 2020-21 का हम लास्ट देख लेते हैं रिज़ल्ट जो निकल के आया, 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान देख लेते हैं, एनुअल एस्टिमेट देख लेते हैं। तो कुल बागवानी में 2019-20 में जो क्षेत्रफल था मिलियन हेक्टेयर में 26.48 था, और उत्पादन मिलियन टन में कितना हुआ था 320.47। 2020-21 में जो बागवानी में कितने क्षेत्रफल में बागवानी की गई थी मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में, 27.48 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में बागवानी हुई, और प्रोडक्शन कितना हुआ मिलियन टन में 334.6 मिलियन टन। और 2021-22 में पहला अग्रिम अनुमान है कुल बागवानी के क्षेत्रफल में कितनी बुआई हुई मिलियन हेक्टेयर में, तो ये हुई 27.56 मिलियन हेक्टेयर में, और उत्पादन मिलियन टन में कितना हुआ 333.3 मिलियन टन। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार रिपोर्ट, हाल ही में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार इनोवेशन इन इंडियाज रूरल इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की गई,
इस रिपोर्ट का शीर्षक है डिसरप्टिव बिजनेसेस मॉडल्स आर स्टिमुलेटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस। डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल्स आर स्टिमुलेटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस। इस रिपोर्ट को भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII एवं अमेरिका प्रबंधन परामर्श कंपनी बैन एंड कंपनी बेन एंड कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। तो कौन कौन है इस रिपोर्ट में? तो पहला है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII, दूसरा है बेन एंड कंपनी जो अमेरिकी प्रबंधन परामर्श कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर तैयार किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा उप क्षेत्र है। इस क्षेत्र ने वर्ष 2019 से 2020 की कुल ग्रामीण GDP में लगभग 37%, लगभग 35 लाख करोड़ रुपए योगदान दिया है। साथ ही यह क्षेत्र 350 मिलियन कुल कार्यबल का 68% लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। विगत 5 वर्षों 2015 से 20 के दौरान 11% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर CAGR के साथ कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले क्षेत्रों में से एक है। मुख्य फसलों के उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2021-22। 16 फरवरी 2022 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमान सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जारी किए गए। वर्ष 2021-22 के लिए द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 316.06 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त उत्पादन 310.74 मिलियन टन की तुलना में 5.32 मिलियन टन तथा विगत 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 25.35 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 127.93 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के औसत उत्पादन 116.44 मिलियन टन की तुलना में 11.49 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन 111.39 मिलियन टन अनुमानित है, यह विगत 5 वर्षों के औसत उत्पादन 103.88 मिलियन टन की तुलना में 7.44 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 26.96 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों के औसत उत्पादन 23.82 मिलियन टन की तुलना में 3.14 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल तिलहन उत्पादन 37.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2020-21 के उत्पादन 35.95 मिलियन टन की तुलना में 1.20 मिलियन टन तथा विगत 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 4.46 मिलियन टन अधिक है। अब बात करते हैं मिथिला के मखाना को मिला GI टैग। दिसंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स या इंडिकेशन रजिस्ट्री GIR ने बिहार मखाना के नाम बदलकर मिथिला मखाना करने का आवेदन को स्वीकार करते हुए उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI प्रदान किया। तो कब हुआ ये? दिसंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री GIR ने बिहार मखाना का नाम बदल के मिथिला मखाना करने के आवेदन को स्वीकार करते हुए उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI प्रदान किया। सितंबर 2020 में सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय ने मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ की ओर से बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना करने के लिए GI रजिस्टर को पत्र भेजकर आवेदन किया था। साथ ही इसकी पहचान और सुरक्षा के अलावा उत्पत्ति को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए ब्रांड लोगो में संशोधन का सुझाव दिया गया। भारत में इसकी खेती बिहार, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होती है। बिहार देश की कुल मखाना उत्पादन में लगभग 80 से 85% तक योगदान करता है। बिहार के प्रमुख मखाना उत्पादक जिले दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एवं कटिहार हैं। कृषि उड़ान 2.0
27 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन MCA द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के और प्रोत्साहन करने का प्रस्ताव है। कृषि उड़ान 2.0 योजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 100% की हिस्सेदारी वाली सहायक कंपनी आई क्लास AAICLAS तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय या भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया। तो आई क्लास और इन्वेस्ट इंडिया दोनों ने मिलकर के कृषि उड़ान 2.0 को संपन्न किया या तैयार किया। योजना के उद्देश्य कृषि उपज एवं हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण और अनुकूलन के माध्यम से कृषि मूल्य प्राप्ति में सुधार लाना, विभिन्न और गतिशील परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और लचीलापन लाने में योगदान देना, कृषि उपज की आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक एवं उसके परिवहन में आने वाली बाधाओं को दूर करना तथा किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद। यह योजना मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट, पहाड़ी, हिली रीजन और जनजातीय क्षेत्र ट्राइबल रीजन्स पर ध्यान केंद्रित करती है। रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन वर्ष मार्केटिंग ईयर 2022 एंड 23 8 सितंबर 2021 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2022-23 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि करने की मंजूरी प्रदान की। विपणन वर्ष 2022-23 के लिए जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि मसूर एवं रेप सीड या सरसों प्रत्येक में ₹400 प्रति क्विंटल के लिए की गई है, वहीं सबसे कम वृद्धि ₹35 प्रति क्विंटल के लिए की गई है। विपणन वर्ष 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ प्रति क्विंटल में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा उसका सीरियल नंबर है, फिर फसल देखेंगे, फिर विपणन वर्ष 2021-22 के लिए MSP, फिर विपणन वर्ष 2022-23 के लिए MSP, फिर शुद्ध वृद्धि। तो सबसे पहले नंबर पर गेहूँ है, तो 21-22 में 1975, फिर 22-23 में यही है ना, 21-22 में 1975 और 22-23 में 2015 और वृद्धि 40। जौ के लिए 21-22 में 1600, 22-23 में 1635 और वृद्धि 35 की। तो ये वृद्धि किस में, परसेंटेज में, शुद्ध वृद्धि, परसेंटेज नहीं दिया यहाँ पे। तो MSP हम देख रहे हैं। फिर चने में MSP 5100 2021-22 में, 2022-23 में 5230 और 130 की वृद्धि। मसूर में MSP 21-22 में 5100, 22-23 में 5500, 400 की वृद्धि। रेपसीड और सरसों में MSP 21-22 में 4650, 22-23 में 5050 और 400 की वृद्धि। कुसुम यानी सैफ्लावर में 21-22 में MSP 5327, 22-23 में 5441, 114 की वृद्धि। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 वर्ष 2021-22 सत्र की सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये प्रति क्विंटल में, फसल धान सामान्य MSP 2020-21 में 1868, MSP 2021-22 में 1940, धान किस्म ए MSP 2020-21 1888 और MSP 21-22 में 1960, ज्वार संकर हाइब्रिड ज्वार प्रति क्विंटल में देख रहे हैं हम, MSP कितनी है 2620 प्रति क्विंटल 2020-21 में, MSP 2021-22 में 2738 प्रति क्विंटल रुपए में। फिर ज्वार मल दांडी, तो ये 2640 रुपये प्रति क्विंटल MSP 2020-21, 2758 रुपये प्रति क्विंटल MSP 2021-22। फिर बाजरा MSP कितनी है बाजरा की, 2150 रुपये प्रति क्विंटल 2020-21 और 21-22 में 2250 रुपये प्रति क्विंटल, ये देख सकते हैं आप। बाजरा हो गया, अब रागी देख लेते हैं, 3295 रुपये प्रति क्विंटल 2020-21 में MSP और MSP 2021-22 में 3377 रुपये प्रति क्विंटल, रागी हो गया। मक्का देख लेते हैं, 1850 रुपये प्रति क्विंटल MSP 2020-21 में, 2021-22 में 1870 रुपये प्रति क्विंटल ये MSP हो जाएगी। तूर अरहर देख लेते हैं, 6000 रुपये
प्रति क्विंटल एमएसपी 2020-21 में, 2021-22 में 6300 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी। मूंग 7196 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी 2020-21 में, 7275 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी 2021-22 में। तो 2020-21 में कितनी, 7196, और 2021-22 में कितनी है, 7275 मूंग की। अब बात करते हैं उड़द की। 6000 रुपये प्रति क्विंटल 2020-21 में एमएसपी, 6300 रुपये प्रति क्विंटल 2021-22 में एमएसपी। मूंगफली में 5275 रुपये प्रति क्विंटल 2020-21 में एमएसपी, और 5550 रुपये प्रति क्विंटल 2021-22 में एमएसपी। सूरजमुखी बीज 5885 रुपये प्रति क्विंटल 2020-21 में एमएसपी, और 6015 रुपये प्रति क्विंटल 2021-22 में एमएसपी। सोयाबीन पीला येलो कलर वाला 3880 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी 2020-21, 2021-22 3950 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी। तिल 2020-21 में एमएसपी 6855 रुपये प्रति क्विंटल, 2021-22 में एमएसपी 7307 रुपये प्रति क्विंटल। नाइजर सीड 6695 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी 2020-21, 6930 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी 2021-22। कपास मध्यम रेशा, मीडियम रेशा कपास का 5515 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी 2020-21, 2021-22 में कितनी एमएसपी है, 5726 रुपये प्रति क्विंटल। कपास लंबा रेशा लॉन्ग थ्रेड 5825 रुपये प्रति क्विंटल, इसकी एमएसपी 2020-21 में, 2021-22 में एमएसपी कितनी है, 6025 रुपये प्रति क्विंटल। अब आगे देखते हैं उद्योग क्षेत्र के बारे में देखेंगे। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021, 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 जारी किया गया। सूचकांक के 4 स्तंभ हैं, नीति 20%, व्यापार परितंत्र 40%, निर्यात पर्यंत या निर्यात परितंत्र 20%, निर्यात प्रदर्शन 20%। इस सूचकांक में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 4 श्रेणियाँ निम्न हैं, समूह ए तटीय राज्य, समूह बी भू आबद्ध लैंड लॉक्ड या लैंड बाउंडेड रीजन्स, ये वाले राज्य हैं भू आबद्ध राज्य, बी में, सी में आएंगे हिमालयी राज्य, और डी में आएंगे केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्य, तो यूनियन टेरिटरीज़ और बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स आएंगे इसमें। रिपोर्ट के अनुसार समग्र रैंकिंग में शीर्ष 4 राज्यों में गुजरात 78.86 के कुल स्कोर के साथ पहले स्थान पर, जबकि महाराष्ट्र 77.14 स्कोर के साथ दूसरे पर, कर्नाटक 61.72 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर, तमिलनाडु 56.84 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है। भू आबद्ध राज्य में लैंडलॉक्ड स्टेट्स में हरियाणा 53.20 स्कोर के साथ शीर्ष पर टॉप पर, वहीं उत्तर प्रदेश 51.09 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर समग्र रैंकिंग में 6ठे स्थान पर है। तो ओवरऑल रैंकिंग में 6th पर है और लैंडलॉक्ड स्टेट्स की रैंकिंग में दूसरे पर है। बिहार भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में 32.06 अंकों के साथ 10वें स्थान पर है, जबकि समग्र रैंकिंग में 22वें स्थान पर है। समग्र रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर 36वां लक्षद्वीप है, जबकि अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम क्रमशः 35वें और 34वें स्थान पर है। तो 35वां अरुणाचल प्रदेश और 34वां मिजोरम है, तो बॉटम 3 देख लिए हमने। भारत 5वां सबसे मूल्यवान शेयर बाज़ार, 10 मार्च 2022 को भारत बाज़ार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाज़ार बन गया है। भारत ने उपलब्धि इंग्लैंड, कनाडा और सऊदी अरब के शेयर बाज़ार को पीछे छोड़ते हुए प्राप्त किया। तो अब भाई इंग्लैंड हमसे पीछे हो गया है, सऊदी अरब तक पीछे हो गया है, इतनी बड़ी इकॉनमी है सऊदी अरब। मूल्य के संदर्भ में अब भारत से आगे केवल अमेरिका, चाइना, जापान और हांगकांग का शेयर बाज़ार है, तो हांगकांग भी चाइना में ही आ जाता है। दुनिया के शीर्ष शेयर बाज़ार का मूल्य, पहले नंबर पर अमेरिका, नैस्डैक होता है ज़्यादातर अमेरिका में, 47.32 ट्रिलियन डॉलर, बहुत ज़्यादा ये। सेकंड पे चाइना 11.52 ट्रिलियन डॉलर, और इसमें हांगकांग भी जोड़ लो 5.55 ट्रिलियन डॉलर। तो सेकंड में चाइना है 11.52 ट्रिलियन डॉलर, तीसरे में जापान है 6 ट्रिलियन डॉलर, चौथे में हांगकांग है 5.55 ट्रिलियन डॉलर, पाँचवें में भारत है
3.21 ट्रिलियन डॉलर। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हैदराबाद तेलंगाना में महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया। तो कब? 8 मार्च 2022 को हैदराबाद तेलंगाना में महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया। कब? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विमेंस डे के दिन। 100% महिला स्वामित्व वाले इस पार्क को फिक्की महिला संगठन, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO तथा तेलंगाना सरकार की भागीदारी से स्थापित किया गया है। इस पार्क का परिचालन 25 हरित परियोजनाओं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के साथ प्रारंभ किया गया है। महिला उद्यमियों हेतु 10% की सब्सिडी का प्रावधान है। 50 एकड़ में विस्तृत इस पार्क के निर्माण में कुल 250 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, जनवरी 2020 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील, क्रूड स्टील के उत्पादन में चीन वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर बना हुआ है। तत्पश्चात भारत एवं जापान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो चाइना क्रूड स्टील में पहले पर, फिर इंडिया दूसरे पर, जापान तीसरे पर। तो WSA वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात उत्पादन वर्ष 2021 में 1950.5 मिलियन टन रहा, जो वर्ष 2020 में 1880.4 मिलियन की तुलना में 3.7% अधिक है। वर्ष 2021 एवं 2020 में वैश्विक स्तर पर कच्चा इस्पात उत्पादक शीर्ष टॉप 5 कंट्रीज़, चाइना पहली रैंक पर मिलियन टन में 2021 में 1032.8 मिलियन टन और 2020 में 1064.7 मिलियन टन। भारत दूसरे में 118.1 मिलियन टन 21 में और 20 में 100.3 मिलियन टन। जापान तीसरे में 96.3 मिलियन टन 21 में, 20 में 83.2 मिलियन टन। USA चौथे पर 86 मिलियन टन 21 में, 72.7 मिलियन टन था कब? 20 में। रशिया पाँचवें पे 76 मिलियन टन 21 में, इसका घटा है 71.6 मिलियन टन 20 में था। रशिया का घटा है, जापान का घटा है, इंडिया का भी घटा है, और बढ़ा किसका है? नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, फिर से देख लेते। चाइना का 2021 में घटा है, इंडिया का बढ़ा है, जापान का बढ़ा है, USA का भी बढ़ा है और रूस का भी बढ़ा है, केवल चाइना का घटा है। इसको सही से देख लीजिएगा फिर से। लीड्स रिपोर्ट 2021। 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉ जस्टिस इज सहजता पर लीड्स रिपोर्ट 2021 लॉ जस्टिस इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021। तो इसको इंग्लिश में देखिएगा, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। 8 नवंबर 2021 को लीड्स रिपोर्ट की बात करें, 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। लीड्स रिपोर्ट 2021 LEADS रिपोर्ट 2021 वाणिज्य विभाग भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर अर्न्स्ट एंड यंग LLP द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट का प्रथम संस्करण लीड्स 2018 निर्यात आयात व्यापार पर केंद्रित था और इसमें प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम की दक्षता का आकलन किया गया था। जबकि दूसरे संस्करण लीड्स 2019 में अंतर्राष्ट्रीय घरेलू दोनों उत्पादनों या व्यापारों को शामिल किया गया था। तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ट्रेड को या दोनों जितने भी व्यापार शामिल इसमें किए गए थे। ओवरऑल हमने इसमें रैंकिंग निकाली थी 2019 की रैंकिंग। वैकल्पिक रूप से सूचकांक का आधार तैयार करने के लिए कुल 21 संकेतक धारणाओं और वस्तुनिष्ठ चरों का सांख्यिकी विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला सर्विस सेवा, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना, तीसरा ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, संचालनात्मक
संचालनात्मक एवं विनियामक पर्यावरण। रिपोर्ट में प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से राज्यों को तीन अलग अलग वर्गों, राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य व हिमालयी केंद्र शासित प्रदेश तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। तो ऊपर की तीन श्रेणियां पहले देख लेते हैं फिर से, सेवा सर्विस अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है संचालनात्मक एवं विनियामक पर्यावरण ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। लीड्स 2021 सूचकांक में गुजरात, हरियाणा और पंजाब क्रमशः शीर्ष प्रदर्शन करने वाले तीन राज्य हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों व हिमालय केंद्र शासित क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर शीर्ष पर है, टॉप पर है। इसके बाद क्रमशः सिक्किम और मेघालय का स्थान है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली शीर्ष पर है, टॉप पर है। इसके बाद चंडीगढ़ का स्थान है। उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा उत्तराखंड ने लीड्स 2019 रैंकिंग की तुलना में अपने स्थान में उल्लेखनीय सुधार किया है तथा ये शीर्ष उधारकर्ता के रूप में सामने आए हैं। इन राज्यों का स्कोर क्रमशः लीड्स 2021 में किसका, पहले नंबर पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का 3.25, झारखंड का 3.09, उत्तराखंड का 3.09 है। वर्तमान रिपोर्ट में राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार का स्कोर क्रमशः 2.96, 2.9, 2.77 है। राजस्थान 2.96, मध्य प्रदेश 2.9, बिहार 2.77 है। रैंकिंग में पुदुचेरी, लद्दाख, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को बाहर रखा गया है। पीएम मित्र पार्क 21 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने 7 पीएम मेगा पार्क एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपीरल, पीएम मित्र पार्कों का या पार्कों की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिसूचना वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त मंजूरी के अनुरूप जारी की गई। पीएम मित्र प्रधानमंत्री के 5F फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन विजन से प्रेरित है। यह एकीकृत दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था में वस्त्र क्षेत्र के विकास को और आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा। तो 7 टेक्सटाइल पार्क्स हैं यहाँ पर। तो बेसिकली इसमें यही कहा जा रहा है कि यह एकीकृत जो दृष्टिकोण है अर्थव्यवस्था में वस्त्र क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा। हम पहले रॉ कॉटन बेचते थे ज़्यादातर, अब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो काफ़ी पीछे रह गए थे काफ़ी समय से, बांग्लादेश, थाईलैंड और म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ की वजह से, क्योंकि ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में ये गिनी जाती थी, तो इनको ट्रेड बेनिफिट्स मिलते थे, इंडिया को नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए इंडिया सेकेंड थर्ड रैंकिंग में आता था टेक्सटाइल ट्रेड के मामले में। लेकिन अब इंडिया ने सुधार करना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड स्थलों पर 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी। इस योजना हेतु वर्ष 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ का बजटीय परिव्यय निर्धारित है। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा का विकास करना है। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड पीएम मित्र पार्क के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से विकास पूंजी सहायता DCS डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट का प्रावधान किया गया है। ग्रीन फील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत का 30% की दर से विकास पूंजी सहायता DCS का प्रावधान है, डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट है। ब्राउन फील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए, ब्राउन फील्ड मतलब कंपनी जहाँ पे पहले से लग चुकी है उसमें कंपनी को आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ा किया जा रहा है। ग्रीन फील्ड में कौन सी आती है, जो एक नई कंपनी बनाई गई है वो ग्रीन फील्ड में आती है, अभी नया नया प्लांट लगा है। तो ब्राउन फील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए प्रति पार्क 200 करोड़ रुपये की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत का 30% की दर से DCS का प्रावधान किया गया है। पीएम मित्र पार्क में वस्त्र निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए भारत सरकार प्रत्येक पीएम मित्र पार्क के लिए 300 करोड़ रुपए की निधि फंड का प्रोविज़न करेगी। इसे प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता CIS कॉम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट के रूप में जाना जाएगा। PFC की बात कर लेते हैं, PFC को महारत्न का दर्जा 12 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार द्वारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को
महारत्न का दर्जा दिया गया है, प्रदान किया गया है। पीएफसी को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 11 हो गई है, जो निम्नलिखित है। पहले 9 थी, दो और बढ़ गई हैं, HPCL और PFC, शायद दो बढ़ी, तीन बढ़ी हैं और पहले 8 थी। PGCIL, HPCL और PFC तीन नई कंपनियां हैं जो महारत्न में आई हैं। कब? 2017, 2019 और 2021 के आसपास। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, गेल इंडिया लिमिटेड गेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, NTPC लिमिटेड NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC। वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 13 है। ध्यातव्य है कि इसके पूर्व अक्टूबर 2019 में PGCIL और HPCL को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2021। सितंबर 2021 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र में 2021 इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2021 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में 2.74 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ, जो 74.9% वार्षिक यानी ऋणात्मक वृद्धि दर को प्रदर्शित करता है। निगेटिव में है ये 74.9%। इस अवधि के दौरान 3.59 मिलियन अनिवासी भारतीय नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस NRI का भारत में आगमन हुआ, जो -48.6% वार्षिक यानी ऋणात्मक वृद्धि दर को दर्शा रहे हैं। इस प्रकार वर्ष 2020 के दौरान कुल 633 मिलियन विदेशी पर्यटक तथा अनिवासी भारतीयों सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का भारत में आगमन हुआ, जो -64.7% वार्षिक यानी ऋणात्मक वृद्धि दर को दर्शा रहा है। वर्ष 2020 के दौरान पर्यटन से 50,136 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, जो -76.3% ऋणात्मक वार्षिक वृद्धि दर को दर्शा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा 1.59% है। वर्ष 2020 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन के स्रोत देशों में सोर्स कंट्रीज़ में बांग्लादेश पहले नंबर पर, जबकि USA दूसरे नंबर पर रहा। वर्ष 2020 के दौरान घरेलू पर्यटकों के हिस्सेदारी के संदर्भ में टॉप फाइव स्टेट्स हैं तमिलनाडु 23%, उत्तर प्रदेश 14.1%, कर्नाटक 12.7%, आंध्र प्रदेश 11.6%, तेलंगाना 6.6%। वर्ष 2020 में विदेशी पर्यटक के आगमन के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं: महाराष्ट्र 17.6%, तमिलनाडु 17.1%, उत्तर प्रदेश 12.6%, दिल्ली 9.5%, पश्चिम बंगाल 6.5%। सिरारा खोंग तथा हैथी मिर्च तथा तामेंग लॉन्ग संतरे को GI टैग। सितंबर 2021 में मणिपुर की विशेष मिर्च सिरारा खोंग हैथी तथा तामेंग लॉन्ग संतरे ऑरेंज को भौगोलिक संकेतक टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया। कहाँ का? मणिपुर का। इसकी घोषणा मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री NBIREN सिंह द्वारा वन धन विकास केंद्र मेला 2021 के उद्घाटन अवसर पर की गई। मणिपुर के उखरूल जिले के सिरारा खोंग गांव में जैविक रूप से उगाई जाने वाली यह मिर्च अपने जीवंत रंग एवं विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। सिरारा खोंग या हैथी मिर्च, राजा मिर्च, किंग चिली जिसे स्थानीय भाषा में उमोरोक के रूप में जाना जाता है, के बाद मणिपुर में सर्वाधिक मांग वाली मिर्च है। राजा मिर्च उमोरोक को विश्व की सबसे तेज गर्म मिर्च, हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। सिरारा खोंग हैथी मिर्च को स्थानीय लोग भगवान का उपहार, गिफ्ट ऑफ गॉड मानते हैं। यह मिर्च स्थानीय लोगों में इतनी लोकप्रिय है कि इसे बढ़ावा देने हेतु वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। स्थानीय स्तर पर मिर्च को समर्पित एक लोकगीत भी है, एक सॉन्ग भी है वहाँ पर।
जिसकी तुलना नागा जनजाति की एक बेशकीमती शॉल जिसे हुई लॉन्ग के नाम से जाना जाता है से की जाती है। तो स्थानीय स्तर पर मिर्च को समर्पित एक लोकगीत भी है, फोक सॉन्ग भी है, जिसकी तुलना नागा जनजाति के एक बेशकीमती शॉल जिसे खुई लांग कहते हैं के नाम से जाना जाता है और उससे तुलना की जाती है। सिरारा खोंग या हैथी मिर्च एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है और इसमें उच्च कैल्शियम और विटामिन सी होता है। तामेंग लॉन्ग संतरा, जो अपने अम्लीय स्वाद, एसिडिक टेस्ट तथा मिश्रित मिठास, ब्लेंडेड स्वीटनेस के लिए प्रसिद्ध है, अधिकतर तामेंग लॉन्ग जिले में पाया जाता है। तामेंग लॉन्ग जिले को मणिपुर का ऑरेंज ऑफ द बाउल, ऑरेंज ऑफ बाउल कहा जाता है। उभरते सितारे कोष 21 अगस्त 2021 को वित्त एवं कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात उन्मुख सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम की कंपनियों MSME की सहायता हेतु उभरते सितारे कोष, उभरते सितारे फंड का शुभारंभ लखनऊ से किया। उभरते सितारे कोष का गठन एग्जिम बैंक और सिडबी, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में, तो सिडबी द्वारा और एग्जिम बैंक द्वारा किया गया। उभरते सितारे कोष एक वैकल्पिक निवेश कोष है। इस कोष का आकार 250 करोड़ रुपए, जिसमें 250 करोड़ रुपए का ग्रीन शू विकल्प शामिल है। एग्जिम बैंक और सिडबी ने एक पाइपलाइन विकसित की है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की 100 से अधिक कंपनियां शामिल की गई हैं। पाइपलाइन का मतलब वो पाइप वाली पाइपलाइन नहीं, एक नई प्रकार की चीज़ व्यवस्था विकसित की है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित उन कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी जो वर्तमान में भले ही खराब प्रदर्शन कर रही हों लेकिन भविष्य में उनका अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है। बात करते हैं कांडला, देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। 26 जुलाई 2021 को कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र KASEZ को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्लैटिनम रेटिंग प्रदान की गई। किसको? KASEZ को, कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, KA फॉर कांडला, SEZ फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र मौजूदा शहरों के लिए IGBC ग्रीन सिटीज़ प्लैटिनम रेटिंग हासिल करने वाला पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है IGBC की फुल फॉर्म। इस आर्थिक क्षेत्र को CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा ग्रीन मास्टर प्लानिंग, नीतिगत पहलों और हरित बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन हेतु IGBC प्लैटिनम रेटिंग प्रदान की गई। कांडला SEZ के लिए यह रेटिंग इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि यह हरित क्षेत्र ऐसी जगह भुज क्षेत्र पर विकसित किया गया है जहाँ पर जल संरक्षण और वनीकरण महत्वपूर्ण कदम है। कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र देश का सबसे पुराना निर्यात जोन, एक्सपोर्ट जोन है। तो कांडला बंदरगाह है ना, पोर्ट है, वहाँ से अभी किसके पास है कांडला पोर्ट? अडानी के पास है, अडानी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, प्राइवेटाइजेशन हो रखा है उसका। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जून 2021 में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2021 जारी किया गया। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा वर्ष 2017 से यह रिपोर्ट जारी की जा रही है। इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर 100 देशों और 1000 शहरों को शामिल किया गया है। सूचकांक के लिए स्कोर की गणना निम्नलिखित 3 मापदंडों, गुणवत्ता, क्वालिटी, मात्रा, क्वांटिटी तथा व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट के आधार पर की जाती है। शीर्ष 10 शहरों में अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को टॉप पर है, जबकि भारत का एकमात्र शहर बंगलुरु 10वें नंबर पर है, शीर्ष टॉप 10 पर भी है। इस वर्ष की सूची में भारत ने वर्ष 2020 में अपनी रैंकिंग 23वीं में 3 पायदान सुधार करते हुए 20वीं हासिल की है। वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2021 टॉप 5 कंट्रीज, पहले पे USA, दूसरे पे UK, तीसरे पे इसराइल, चौथे पे कनाडा, पांचवें पे जर्मनी। शीर्ष 5 शहर वैश्विक रैंकिंग, पहले पे सैन फ्रांसिस्को USA, दूसरे पे न्यूयॉर्क USA, तीसरे पे बीजिंग चाइना, चौथे पे लॉस एंजल्स USA, पांचवें पे लंदन UK। सूचकांक में शामिल विश्व के 1000 शहरों में भारत के 43 शहरों को स्थान दिया गया है। भारत के 3 शहरों बंगलुरु 10वां, न्यू दिल्ली 14वां, मुंबई 16वां को शीर्ष 20 में शामिल किया गया है। बंगलुरु टॉप 10 पर है। धन्यवाद।